मंगोलपुरी में फायरिंग कर व्यापारी से 77 लाख की लूट, आरोपी फरार। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, दिन दहाड़े ही लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला मंगोलपुरी का है, जहां एक व्यापारी की कार के सामने स्कूटी सवारों ने स्कूटी लगाकर वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और व्यापारी से 77 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा कि आरोपियों ने कई राउंड वहां पर फायरिंग की, जिसके बाद आरोपी व्यापारी से 77 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौका वारदात से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी नेपाल का रहने वाला था और वह भारत में अपने व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन राजधानी दिल्ली के अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। लूट की वारदात के बाद मंगोलपुरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। जहां दिल्ली पुलिस अपनी पेट्रोलिंग का दावा करती है, वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का पेट्रोलिंग का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े ही आरोपी हथियार के बल पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बहरहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस की टीम मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।